धान बोनस राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज आपको बता दें, बड़ी सौगात जो है किसानों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं और ये बड़ी सौगात किसानों के लिए बड़ी गारंटी जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो गारंटी दी गई है, दूसरी ये गारंटी सरकार द्वारा पूरी की जा रही है और कहीं ना कहीं खुशी अब किसानों में बहुत ज्यादा है, चूंकि जो वादे किए गए वादों को अब इतनी जल्दबाजी में कहें या जल्द पूरा करना कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ किसानों के लिए है और खुशी की बात भी है। और किसान इंतजार भी कर रहे थे और ये कहा भी गया था सीएम विष्णुदेव साय की ओर से कि जो तमाम गारंटियां दी गई है वो गारंटियां पूरी होंगी, इस बात की गारंटी दी जाती है। और आज का दिन चुना गया है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, बीजेपी से सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, तो ऐसे में ये धान बोनस राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के किसान जो इंतजार कर रहे थे कि नई सरकार जब बनेगी, जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो अपने वादे के मुताबिक धान बोनस की राशि का वितरण करेगी, और ये बीजेपी का जो ऐलान था वो कहीं ना कहीं बहुत असर भी दिखाया है उसने, और इसीलिए आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। और आज सरकार का ये कार्यक्रम जहां किसानों के बीच में धान बोनस राशि बांटी जाएगी, शासकीय विभागों के द्वारा जो विभिन्न 13 लाख से ज्यादा किसान जो है लाभान्वित होंगे, आज बड़ी सौगात बीजेपी सरकार द्वारा इन किसानों के लिए, बोनस इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, 2 साल का बकाया धान बोनस साय सरकार देने जा रही है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे सीएम विष्णुदेव साय कुछ ही देर में, इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, कार्यक्रम की हालांकि शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही देर में ऑनलाइन ट्रांसफर मुख्यमंत्री द्वारा किए जाएंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भाजपा सोमवार को यानी आज सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, और इसी मौके पर ये बड़ा आयोजन किया गया है, बड़ी सौगात जो है बीजेपी किसानों को देने जा रही है, किसानों को बकाया बोनस देने की तैयारी में लगभग 13 लाख से ऊपर किसान हैं जिन्हें इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रांसफर करेंगे ये राशि ऑनलाइन। ताकि आपके पीछे के अबनपुर के बेंद्री की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आपको कई स्कूली छात्र भी दिखाई दे रहे थे जिनसे बातचीत करते हुए उनके जो प्रेजेंटेशन मॉडल वहां पर रखे गए थे उनको समझते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हुए सीएम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, लगातार जनसंपर्क और यहाँ इन महिलाओं को से मिलते हुए, ये लाभान्वित महिलाएं हैं सरकार की योजनाओं की, अलग अलग योजनाओं की, उनसे लगातार बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अलग अलग देखिए वहां पे कैनोपीज बनाई गई हैं जिसमें पहले आपने महिला पहले छात्रों को देखा, फिर महिलाओं को देखा, और अब यहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी शायद सहकारिता विभाग देखिए, हाँ सरकारी कर्मचारी के जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सीएम का अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्य वादा ऐसे हम कह सकते हैं, ये वादा बहुत ही बड़ा जो चुनाव से पहले किया गया बीजेपी की सरकार द्वारा, और जब सत्ता में आई तो ये वादा पूरा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसान कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे। आपको ये भी बताएं कि 2016 से 17 और 17 से 18 का ये बोनस बकाया था, और यही इसी का जिक्र बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किया था और कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ये वादा पूरा करेंगे और लाभान्वित किसानों को हम करेंगे। और वही तस्वीर हम आज देख रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं सरकार बने और ये वादा मोदी की गारंटी पूरी होती हुई नजर आ रही है। बस कुछ देर और इंतजार करना होगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे तौर पर ये बोनस की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बड़ी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर समर्थक भी हैं जो लाभान्वित हैं समाज के अलग अलग वर्ग के, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे, और बीच में हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद हैं। और आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, जरा पूरे कार्यक्रम के बारे में बता रहे, अभी फिलहाल वहाँ चल क्या रहा है, हालांकि तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखाई रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अटल सुशासन दिवस के अवसर पर धान बोनस राशि वितरण समारोह का आयोजन है रायपुर के बेंद्री में। यह कार्यक्रम है
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और शासन द्वारा लगे स्टॉल प्रदर्शनी में वो बारी बारी से जा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है, वो तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, उसका निरीक्षण अभी विष्णुदेव साय कर रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद है, विधायक गण मौजूद है और संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। वो अभी निरीक्षण करते हुए अभी कुछ देर में यहाँ पर आएंगे, कार्यक्रम जो मंच है वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर किसानों को जो है चेक का वितरण किया जाएगा, राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे लोगों में उत्साह एक तरीके से देखा गया, किसानों में उत्साह देखा गया, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है जो रायपुर के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। बड़ा दिन है किसानों के लिए, 12 लाख किसानों को 3700 करोड़ रुपए बोनस राशि का वितरण शासन द्वारा किया जा रहा है। मोदी की गारंटी के तहत ये दिया जा रहा है। लंबे समय से किसानों को जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, जो इंतजार था वो आज खत्म हो रहा है। जाहिर तौर पर धान बोनस राशि वितरण समारोह की जो किसान थे वो काफी लंबे समय से इसका आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज ये दिन आए हैं। जाहिर तौर पर इसीलिए बेहद खुश यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। जो स्टॉल्स लगाए गए हैं अलग अलग यहाँ पर जहाँ पहुंच रहे हैं सीएम साय, आकाश जरा उन स्टॉल्स के बारे में बताएं, किस तरह के स्टॉल्स हैं ये? जी, ये तमाम जो शासन के स्टॉल है, जो विभिन्न योजनाएं चलती है उसके पंचायत विभाग के स्टॉल है, जनसंपर्क के तमाम स्टॉल है, जो काम कर रही है प्रशासन लोगों के लिए, वो तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है। इसी के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। जनसंपर्क द्वारा ये स्टॉल लगाया गया, प्रदर्शनी लगाया गया है, किस तरीके से हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई। साथ ही सुशासन दिवस के अवसर पर जो धान बोनस का मुख्य रूप से यहां पर फोकस किया गया है, किसानों को दिखाया गया है, तो उसी का निरीक्षण मुख्यमंत्री वहां पर करने पहुंचे, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं स्टॉल प्रदर्शनी के दौरान। इस दौरान काफी किसान यहां पर मौजूद है प्रदर्शनी का निरीक्षण करके, वो थोड़ी देर में ही अभी मंच पर सीधे आने वाले हैं। तो इस तरीके से कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री चल पड़े हैं और ये मंच की ओर चल पड़े हैं, कुछ देर में ही मंच में आसीन होंगे मुख्यमंत्री। जी आकाश जरा बोनस के बारे में बताएं, 2 साल का ये बोनस मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, सीधे अकाउंट ट्रांसफर होगा, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मोदी की गारंटी के तहत जब चुनाव भाजपा लड़ रही थी तो उस समय कहा गया था कि जो भी बोनस 2 साल का 2017-18 के समय का जो 2 साल का बकाया है 18 से पहले का, वो राशि इनको मिलना था, लेकिन अब तक के मिल नहीं पाया था। तो वादे के मुताबिक जो है किसानों को 2 साल का बोनस दिया जा रहा है। एक तरीके से जो कि कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात कही थी तो उसका काउंटर था जो घोषणा पत्र में भाजपा का था, और बड़ा एक घोषणा था, वादा था किसानों के लिए, कहीं ना कहीं जीत में भाजपा की जो बड़ी जीत हुई है तो ये बड़ी भूमिका निभाई है धान का बोनस। अब वो तीसरी दिवाली के रूप में 25 तारीख को जो आज सुशासन दिवस है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का, तो उसमें वितरण किया जा रहा है। करीब 12 लाख किसान है जो हितग्राही है, किसानों को ये पैसा मिलेगा, 3700 करोड़ रुपए किसान के खाते में सीधे जाएंगे। हर किसान का अलग अलग बोनस है, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 50,000, तो इस तरीके से फायदा सीधे तौर पे किसानों को मिलने वाला है। जी तो सीधे तौर पर ये फायदा किसानों को मिलने जा रहा है, जिस तरह से आकाश बता रहे थे, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं सरकार की अलग अलग योजनाओं को दर्शाते हुए। यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए हैं जहां पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय और अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से सीधी तस्वीरें, और जो बोनस देने का वादा बीजेपी ने किया था उस वादे को निभाने का ये दिन है आज, जब किसानों को 3,716 करोड़ का भुगतान यहाँ पर सरकार की ओर से किया जाएगा। अभी वहां पर क्या चल रहा है जरा बताएं आकाश। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मंच के पास है, आप देख पा रहे होंगे कि मंच के पास तमाम जो संगठन के लोग हैं, विधायक हैं, नेता हैं संगठन से जुड़े, वो मौजूद हैं। इसके साथ ही सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो किसान हैं डोम में मौजूद हैं, रायपुर के अलावा प्रदेश भर से आए महिला किसान और तमाम जो किसान हैं वो आए हुए हैं गाजे बाजे के साथ। मुख्यमंत्री का सबसे पहले स्वागत किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, स्टॉल लगाए गए थे, वहां पहुंचे और लगातार एक एक स्टॉलों का मुख्यमंत्री जी निरीक्षण कर रहे हैं।
अधिकारियों को वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा, तो वो बताया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जो है स्टॉल का निरीक्षण कर लिए हैं, इसके साथ ही उनको स्वागत करते हुए अब लाया जा रहा है, स्टॉल से बढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री जी और यहाँ मंच पर आएंगे और मंच से सीधे घोषणा करेंगे, धान के बोनस राशि का वितरण करेंगे, तमाम जो किसान है उनको चेक वितरण किया जाएगा, सीधे किसानों के खाते में जाएगा ये बोनस। तो बड़ा आज एक त्योहार है, आप इससे पहले देखेंगे जब जो किसानों को जो घोषणा की गई थी चुनाव के दौरान भाजपा की कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनेगी, पहली दिवाली लक्ष्मी पूजा की होगी, दूसरी दिवाली भाजपा की जीत के साथ होगी और तीसरी दिवाली जो है 25 तारीख को होगा जब धान का बोनस किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। तो निश्चित रूप से आज तीसरी दिवाली है, जो वादा किया था, बड़ा वादा किया था भाजपा ने, वो आज दिन पूरा हो रहा है। 12 लाख किसान छोटा ये एक नहीं है, बहुत काफी संख्या में किसान है उन, तो एक कहीं ना कहीं खुशहाली किसानों के चेहरे में भी उत्साह देखा जा रहा है, तो एक समृद्ध छत्तीसगढ़ का भी एक प्रतीक है। इसके साथ ही जो 3100 रुपए का समर्थन मूल्य देने का वादा जो भाजपा ने किया था वो भी कहीं ना कहीं पूरा कर दिया है। इसके साथ ही घोषणा की है भाजपा ने कि जो अन्य वादे हैं, मोदी की जो गारंटी है वो पूरा करेंगे, तो इसके साथ ही यह सफर भी शुरू हो गया है और लगातार अपने वादे को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री से भी जब मुख्यमंत्री मुलाकात किए, राष्ट्रपति से भी मुलाकात किए, तब उनको बताया गया कि किस तरीके से मोदी की गारंटी को महत्वपूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है और इस दिशा में शासन किस तरीके से काम कर रहा है, तो तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई, राष्ट्रपति को दी गई। तो इसके बाद जब दिल्ली से पहुंचे मुख्यमंत्री जी, तो तमाम ये कार्यक्रम है जो रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, बेंद्री में, अभनपुर ब्लॉक के बेंद्री गांव में ये बड़ा आयोजन है। यहाँ से सीधे एक ऐतिहासिक दिन है जो मुख्यमंत्री देने वाले, आप साफ देख सकते हैं मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं विष्णुदेव साय, और इसके साथ ही जो किसान है उत्साह से, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे हैं। आप मंच में देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उनके साथ विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और देखिए किस तरीके से दीप प्रज्वलित करके आयोजन को किया जा रहा है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तमाम वो अधिकारी हैं, तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में, तो सीधे सीधे एक तस्वीर है, बेहतर तस्वीर नजर आ रही है। और मंच के जो सामने जो बैठे हैं किसान, हजारों किसान बैठे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर 2 साल के बाद आज ये घड़ी आई है, तो उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। ये औपचारिक शुरुआत कार्यक्रम की करते हुए मुख्यमंत्री साय, साथ में उप मुख्यमंत्री भी उनके हैं, और यहाँ अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की ये औपचारिक शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। किसान उत्साह में है, जो समर्थक है वो उत्साह में है, क्योंकि धान बोनस राशि वितरण समारोह का यहाँ आयोजन किया गया और कह दिया था आते ही, सरकार बनते ही सीएम साय ने, कि जो तमाम गारंटियाँ दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, उन तमाम गारंटियों को बीजेपी सरकार पूरा करेगी और हर एक गारंटी को लगातार अमली जामा पहनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 18 लाख लोगों को सरकारी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और अब किसानों के लिए धान बोनस राशि वितरण समारोह का आयोजन। बीजेपी ने बोनस देने का वादा किया था, 2 साल से ये बोनस रुका हुआ था और बीजेपी ने कहा था कि एक साथ ये भुगतान किया जाएगा। 3,716 करोड़ का भुगतान किसानों को आज किया जाएगा। मोदी की गारंटी पूरी हो रही है और इसके लिए आज का ये दिन चुना गया है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, इसीलिए आज के दिन का खास तौर पर चयन किया गया है। जी आकाश बताएं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम शुरू हो गया है और मंच पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, सामने हैं
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो ऐतिहासिक दिन के कहीं ना कहीं वो तमाम गवाह हैं मंच पे जो बैठे हुए हैं, उनके बाजू में जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बैठे हैं, इनके करीब में है आरंग के जो विधायक हैं, इसके साथ ही संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं संगठन के लोग हैं पहले स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। इससे पहले अटल बिहारी जी की जो प्रतिमा है उन पे माल्यार्पण किया गया, इसके बाद आप विधायक और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, इसके बाद जो बोनस कार्यक्रम है वो शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, वितरण किया जाएगा जो चेक है किसानों को दिया जाएगा, तो उसके लिए ये कार्यक्रम है। आप सीधे तस्वीर देखिए, धान बोनस राशि का वितरण समारोह, बड़ा सा एक तस्वीर, मोदी की गारंटी, सीधा साफ बताया जा रहा है कि जो वादे मोदी जी ने किए थे यहाँ पर आकर, तमाम घोषणाएं की थी, वो एक एक घोषणाएं बीजेपी को याद है और एक एक घोषणा पूरा हो रहा है। जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई, विष्णु देव साय ने पहली कैबिनेट की बैठक ली तो मुहर लगाई कि 18 लाख लोग गरीब लोगों को आवाज देने पे, तो वो दिन था। और इसके बाद जो लगातार वो कहा जा रहा था कि 25 तारीख वो दिन होगा जब भाजपा किसानों को बोनस देगी, लाखों किसानों को इससे लाभ मिलेगा, तो आज वो दिन है जो भाजपा ने कहा वो किया। तस्वीर है, ये गवाह है साफ तौर से, और वो गवाह बन रहे हैं लाखों किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के 12 लाख किसान हैं जिनको सीधे तौर पे लाभ 3700 करोड़ की राशि है, जो जितने भी किसान हैं जो बकाया था 2018 के पहले का जो बोनस बकाया था वो सीधे किसानों के खाते में जाएगा। हर किसान का जो राशि है वो अलग अलग है, 50,000 से लेकर के 3 लाख 5 लाख रुपए तक, जो छोटे बड़े किसान का उनके आधार पर वो राशि है, तो जो राशि है वो तय उनको पूरा मिल रहा है, किसी तरीके से कटौती नहीं की गई है बोनस राशि में, सीधा खाते में किसानों के जाएगा। इसके लिए तमाम जो प्रशासन है पहले से तैयारी कर, बताया कि क्या सभी किसान इसके लिए एलिजिबल होंगे या कुछ एक विशेष किसान ही इसके लिए एलिजिबल होंगे इस फायदे के लिए? नहीं, देखिए जो वादे किए गए थे बकाया बोनस राशि का किया गया था, तो जिन किसानों के बकाया थे बोनस राशि उन किसानों को सीधे तौर पे ये राशि दी गई है, उसके जिनके बकाया नहीं थे तो नहीं, उनको नहीं दी जा रही है। तो बकाया ऐसे किसान है, 12 लाख से अधिक किसान है जिनके बोनस है वो बकाया है, और 3700 करोड़ से अधिक की राशि है जो इनको देना है कुल जो राशि है, तो इन तमाम किसानों को मिल रहा है। इसके साथ ही जो समर्थन मूल्य का वादा किया था 3100 रुपए, उसकी घोषणा भी कर दी गई है, तो उसकी भी खरीदी 3100 रुपए के हिसाब से होगा, तो उस तो ये सभी किसानों को एक तरीके से लाभ मिल रहा है, जितने भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं, और इसका उत्साह सीधे तौर पे देख सकते हैं जी। जो 13 से 18 के दौरान लंबित था ये बोनस, ये वही वितरण होगा उसका आज? 2018 तक के जो बोनस, 2 साल का बोनस था, वो वही वितरण किया जा रहा है। 5 साल में वो बोनस की राशि नहीं मिला था, घोषणा पत्र में जब किसानों की बात आ रही थी, तमाम वादे हो रहे थे, तो चुनाव से पहले जो मोदी की गारंटी में सबसे बड़ी घोषणा ये थी कि 2 साल का बोनस देंगे किसानों को साधने के लिए, जो एक तरीके से काउंटर था कांग्रेस के कर्ज माफी का। तो जब ये प्रचार करने जा रहे थे तो वो बाकायदा बोल रहे थे कि कर्ज माफी से ज्यादा फायदा किसानों को बोनस देने में होगा, तो कहीं ना कहीं किसानों ने वो भरोसा किया भाजपा पे, और यही कारण है कि वो भरोसा बहुमत में बदला। भाजपा ने 54 सीटों के साथ बहुमत से सरकार बनाई, और सरकार बनते ही जो है वो बोनस की राशि की घोषणा अब कर दी गई है, और आज ये बोनस की राशि तमाम जो किसानों को मिल रहा है। आप तस्वीर देखिए, मंच पर सीधे तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी उत्साही है, तमाम जो कार्यकर्ता है वो किसान है, उनको कहीं ना कहीं मंच पर जगह दी गई है। हर एक संगठन का कार्यकर्ता, हर एक किसान, हर एक जुड़ा हुआ गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आ रहा है, उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आ रहा है, और चेहरे पे एक खुशी दिख रही है। खुशी भी क्यों ना हो, क्योंकि लंबे समय वक्त के बाद वो किसान को जो मेहनत का उनका फल है, वो बोनस जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, तो वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिक स्थिति में भी इससे सुधार आएगा, और यही सुधार जब 3100 रुपए उनको समर्थन मूल्य मिलेगा धान बेचने का, तो निश्चित तौर पे ये हर तरीके से किसान इसमें लाभान्वित ही होंगे जी।
बिल्कुल, और तस्वीरें यहाँ पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मंच पर हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, यहाँ पर तमाम लोग आगे बढ़ते हुए, और देखिए ये बड़ी माला फूलों की, गजकेसरी माला, ये बड़ी माला से मुख्यमंत्री का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है, और यहाँ सभी बेहद खुश हैं क्योंकि जो वादा बीजेपी ने किया था उस वादे को निभाने का ये वक्त है, और यहाँ मुख्यमंत्री साय को लगातार फूलमालाएं पहनाई जा रही हैं, और इस समय जो किसान हैं वो बेहद खुश भी हैं क्योंकि 2 साल का जो ये बकाया बोनस था वो सीधा उनके अकाउंट में आज ट्रांसफर हो जाएगा, लाभान्वित होंगे ये किसान, और इसीलिए आज के इस खास दिन को चुना गया है। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आकाश, क्योंकि 24 से पहले ये एक बड़ा कदम है बीजेपी का अपने वादे को निभाना, और आज मुख्यमंत्री क्या कहेंगे उस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जब मोदी जी आ रहे थे और केंद्र के तमाम जो नेता आ रहे थे वो विधानसभा चुनाव का प्रचार तो कर ही रहे थे चुनाव से पहले, लेकिन उनका कहीं ना कहीं टारगेट था 2024 विधान लोकसभा फतह करना। यहाँ पर 11 सीटें हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उन 11 सीटों को यहाँ पर पाना चाहती है। यही कारण था कि मोदी जी मेहनत कर रहे थे, लगातार मोदी जी गारंटी दे रहे थे और फोकस कर रहे थे, किसानों को फोकस कर रहे थे, युवाओं को फोकस कर रहे थे। तो तमाम वो जो घोषणाएं हैं इनको 2024, क्योंकि अभी कुछ समय में इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये वादों को पूरा करके ये बता देना चाहते हैं कि जो मोदी जी गारंटी देते हैं वो पूरा होता है। और यही कारण है कि जब शपथ ग्रहण करने के साथ ही मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की कैबिनेट में बैठक हुई और उन्होंने 18 लाख आवास देने के लिए, गरीबों को देने के लिए मुहर लगाई। इसके साथ ही घोषणा कर दी कि 25 तारीख को अटल बिहारी जी की जयंती पर, सुशासन दिवस के अवसर पर किसानों को धान का बोनस दिया जाएगा। और यही से तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थी, प्रशासन को कह दिया गया था जिन भी किसानों का बकायदा है उनका डिटेल तैयार करे और उन सभी के खाते में जो राशि जाने उसकी तैयारी कर ले। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम उत्सव की तरह करने की तैयारी पहले ही कर ली गई थी। और आज का दिन है कि आप देख सकते हैं, गवाह है आज का दिन, 25 तारीख वो दिन है जब किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। ये सीधा आप समझिए कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है कहीं ना कहीं ये बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जो सत्ता बीजेपी की मिली है वो किसानों के भरोसे मिली है, वो युवाओं के भरोसे मिली है और महिलाओं के भरोसे मिली है। 3 वादे जो बड़े थे किसानों के लिए किए गए वादे, बोनस की राशि, समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी 3100 रुपए का किया गया था, वो महिलाओं को 1200 रुपए देने का वादा था वो, और पीएससी में जो गड़बड़ी थी वो उससे जांच यूपीएससी की तर्ज पर कराने के लिए, और इसके साथ ही जो पदों में भर्ती के लिए कहा गया था, तो एक प्रमुख वादे थे जिसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं भाजपा घूम रही थी, लोगों को बता रही थी, अपने वादे को गिना रही थी, और जो छत्तीसगढ़ की जनता है उन्होंने भरोसा किया इन वादों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा लग रहा था कि जब डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते थे मंच से तो उनको भरोसा हो रहा था कि ये डबल इंजन की सरकार जरूर इनके वादे को पूरा करेगी, ये वादा हवाई नहीं रहेगा, है ना, जिस तरीके से अन्य पार्टियां घोषणा करती है तो वो वादा पूरा हो रहा है। किसानों का वादा हुआ, गरीबों का, गरीब आवास देने का वादा पूरा हुआ, और साथ ही इसके बाद जो है महिलाओं को 1200 रुपए महीने देने की प्रक्रिया जो वादा किया था भाजपा ने वो भी पूरा करने की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और इसका एक गवाह है, ये मंच गवाह है जहाँ से वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो स्वागत का सिलसिला है वो काफी समय से चल रहा है और वो थम नहीं रहा है। ये तमाम जो है ये किसान है, महिलाएं हैं, कार्यकर्ता है, युवा है जो फूल माला लेके सुबह से ही पहुंच गए थे कि मुख्यमंत्री का स्वागत करना है, उन्हें बधाइयां देनी है, और जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की पूरा कर किया है तो उनका आभार प्रकट करना है, तो आभार प्रकट कर मिल के अपने तरीके से कर रहे हैं। एक लंबा आप कतार देख रहे हैं जो प्रदेश भर से लोग आए हैं और ये कतार बढ़ता ही जा रहा है। जो गजमाला है, फूल की माला है, उससे लगातार कार्यकर्ता प्रदेश भर के कोने कोने से पहुंच कर आकर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी एक तरीके से आभार उनका प्रकट कर रहे हैं, जिस तरीके से बहुमत दिलाया था, जिस तरीके से
लोगों ने भरोसा जताया भाजपा कहीं ना कहीं उस उम्मीदों पर खरी उतर रही है, उन एक एक घोषणाओं को पूरा कर रही है। अभी तक दो घोषणाएं जो बड़ी घोषणाएं की थी वो पूरा कर चुकी है, आज दूसरी घोषणा पूरा हो चुका है। आवास का घोषणा पहले ही पूरा उसने पहली कैबिनेट ने पूरा कर दिया, तो इस तरीके से एक एक करके वो घोषणाएं पूरा करी। और ये सीढ़ी है, आप समझिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक सीढ़ी तैयार कर रही है, तो क्योंकि ज्यादा दिक्कत ना हो, जो वादे पूरा किए हैं अगर अभी पूरा कर दिए तो कहीं ना कहीं भरोसा जो है बिल्कुल भरोसा मजबूत हो जाएगा। आकाश, और जिस तरीके से आपने कहा कि ये सीढ़ी है, और देखिए पहली ही सीढ़ी में जिस तरह से लगातार अपने वादे पूरा करने का काम यहाँ बीजेपी की सरकार कर रही है, साफ नजर आ रहा है कि 24 से पहले की सोची समझी रणनीति के तहत ही किया जा रहा है, और इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी यहाँ देखने को मिल रहा है। जो उत्साह है यहाँ पर लोगों का, और जैसा जिक्र आपने भी किया, क्योंकि आप तो वहां पर लाइव देख रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2-3 सेकंड के डिले के बाद तस्वीर दर्शक देख पा रहे होंगे, लेकिन जो अभिनंदन का जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता ही जा रहा है, थमता दिख ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, इतने समय बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आए हैं बेंद्री के, अपूर ब्लॉक के बेंद्री गांव में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ से प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। यही कारण है कि लोग रायपुर के अलावा जो है कोने कोने से पहुंचे हैं और नए मुख्यमंत्री का स्वागत भी करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं, उनको एक नजर देखना चाहते हैं। कारण यही है कि लगातार जो सिलसिला है स्वागत का, अभिनंदन का, वो थम नहीं रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से कतार है, अगर हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा बने तो कैमरा घुमाएं और दिखाएं दर्शकों को किस तरीके से जो ये लंबी कतार है लोगों की वो नजर आ रही है। एक जो डोम है, मुख्य डोम, वो छोड़ से लेकर तमाम जो मंच तक है वो भीड़ है स्वागत के लिए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं, गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं, हाँ अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का और उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही डोम के बिल्कुल आकाश, तो अभी कह सकते हैं कि अभी तो सिलसिला ये और लंबा चलेगा, क्योंकि जहां तक भी जो आपके साथ कैमरे पर्सन उन्होंने तस्वीरें दिखाई है, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं मंच के पास जो है स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पीछे मंच के सामने बैठे हैं, आकाश आपके पास लौटूंगी, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।